दीर्घदां शारदां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी अभयदां जाट्यांधकार्यापहां अस्ते स्फाटिकमालिका विदधति पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदां धन्यवाद वीरेंद्र जी। ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन कैसे कर सकते हैं इसकी विस्तृत जानकारी के लिए मैं श्री सेवराम जी से निवेदन करूंगा कि वो इसके बारे में हम सबको बताएं। आदरणीय श्री सेवराम जी, एक मिनट, राम कुमार जी जुड़े हैं क्या? जी सर, जुड़े हुए हैं राम कुमार जी साहब। उनका परिचय करवाइए, क्या उनका दायित्व बताइए, मेरा परिचय करवाइए, ये सारा करने के बाद तब ये प्रक्रिया शुरू करें एक बार। आप सभी का इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आदरणीय अनिल जी भाई साहब ने अभी परिचय के क्रम की चर्चा की, यह अपनी परंपरा का एक निर्वहन है और उसका एक आवश्यकता भी रहती है ताकि जितने भी वरिष्ठ और ज्येष्ठ अधिकारी वृंद यहाँ बैठे हों उनके परिचय से, उनकी गरिमामय उपस्थिति से गंभीरता विषय की बनती है। सामान्यतः पृष्ठभूमि जिस प्रकार की अपने इस कार्यशाला की है वो आपको इसके विषय से ही भान हो रहा होगा। आईटी में किस प्रकार से डेवलपमेंट हो और ऑनलाइन को लेकर के जितना भी ऑनलाइन चला हुआ था, कोई ना कोई एक विषय आईटी को लेकर के जुड़े, इस संदर्भ में अनिल जी भाई साहब ने एक योजना बनाने का प्रयत्न किया था और उस योजना का ये परिणाम स्वरूप है कि आज आपके सामने एक विषय लेकर के और अपने कंप्यूटर के शिक्षक जो है वो आपके सामने है। अपने इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी वृंद अपने साथ हैं, श्रीमान राम कुमार जी, मैं चाहूंगा एक बार आप अपना वीडियो ऑन करके, राम कुमार जी, आदरणीय राम कुमार जी, आवाज आ रही है? वीडियो ऑन है जी। अच्छा जी, तो आदरणीय राम कुमार जी अपने मध्य में उपस्थित हैं और आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कह सकता हूँ मैं, थोड़ा सा कम चल रहा है, फिर भी आपकी इस गंभीरता ही कहें हम प्रशिक्षण की, जिस दृष्टि से अस्वस्थ स्वस्थ ये कह सकते हैं कि पूर्ण न होते हुए भी आप अपना आशीर्वाचन देने के लिए हमारे बीच में उपलब्ध हैं। आदरणीय राम कुमार जी प्रांत के प्रशिक्षण प्रमुख हैं और अनेक लगभग 39 वर्षों तक आपने अपने विद्या भारती में कार्य किया है और अपने मेजर नितिन बाली विद्यालय से आप सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रांत का प्रशिक्षण का कार्य देख रहे हैं। साथ ही ये जिस प्रकार का हमने आपको पहले भी बताया, कुरुक्षेत्र संकुल की ये आईटी सेल की बैठक है जिसमें अपने जितने भी परीक्षा प्रमुख और कंप्यूटर को देखने वाले लोग इससे जुड़े हुए हैं, अपने संकुल की दृष्टि से अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय श्री अनिल कुलश्रेष्ठ जी, आदरणीय अनिल कुलश्रेष्ठ जी अपने श्रीमद् भगवद गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के आप प्रधानाचार्य हैं और इसमें भी कोई दोराई नहीं है कि जो विद्या भारती हरियाणा है, विद्या भारती हरियाणा के आप सबसे वरिष्ठ प्रधानाचार्य
मैं कहूँगा संभवतः इस समय आप हैं, मुझे और कोई नज़र नहीं आ रहा जिनका अनुभव आदरणीय अनिल जी से अधिक हो, मुझे ऐसा इस समय कोई ध्यान में नहीं आ रहा। तो आप पूरे विद्या भारती हरियाणा में जो वरिष्ठ प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, जींद अनेक वर्षों तक रहे और लगभग पिछले 8 वर्षों से आप जो है वो श्रीमद भगवद गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद संभाल रहे हैं, और कुरुक्षेत्र संकुल में आने वाले जो अपने 8 विद्यालय हैं, 9वां विद्यालय हम वात्सल्य वाटिका को भी कह सकते हैं, तो अपने इन 9 विद्यालयों का आप मार्गदर्शन आपका मिलता रहता है। शेष सभी प्रधानाचार्य जितने भी अपने संकुल के हैं, श्रीमती सुमन बालाजी मुझे इसमें अभी नज़र आ रहे हैं, और यशपाल जी भाई साहब हैं जी, यशपाल जी संभवतः अभी जुड़ नहीं पाए, जी श्रीमती सुमन जी अभी वर्तमान में हैं, जो गीता कन्या अपना वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उसके आप प्रधानाचार्य हैं, विगत 3 मास से आपने कार्यभार संभाला, उससे पहले आप अपना जो गीता सह शिक्षा विद्यालय उसमें आप कार्यरत थे। और भी जो प्रधानाचार्य अभी मुझे अगर इसमें नजर नहीं आ रहे होंगे, तो अपने 8 विद्यालयों के प्रधानाचार्य भी इसमें, जी भाई साहब अमित जी हैं जी, अपने सेक्टर 3 का जो गीता विद्या मंदिर विद्यालय है उसके आदरणीय श्री सुमित कुमार जी अपने इस बैठक में जुड़े हुए हैं, सुमित जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अन्य भी हो सकता है थोड़े 1-2 मिनट या 5-7 मिनट के विलंब से आए, सभी प्रधानाचार्यों की भी उपस्थिति इसमें रहनी है, और योजना की दृष्टि से आप सभी को ध्यान में ही है कि जितने भी अपने संकुल के विद्यालय हैं उन विद्यालयों के परीक्षा प्रमुख इस बैठक में जुड़े हैं, और जितने भी कंप्यूटर से संबंध रखने वाले शिक्षक साथी हैं वो इस बैठक में जुड़े हुए हैं, और विषय बड़ा स्पष्ट है कि ऑनलाइन को लेकर के किस प्रकार से परीक्षा का संचालन हो, और मात्र केवल परीक्षा का संचालन ही नहीं, परीक्षा के संचालन के साथ साथ परीक्षा के संचालन में एक सामान्य व्यवहारिक कठिनाई अभी इस समय महसूस की गई, जब CBSE ने अपने परिणाम विद्यालय स्तर पर ही तैयार करने को कहा, और उसके एविडेंसेस की बात नहीं, उसके एविडेंसेस रखने चाहिए थे कह सकते हैं, या एविडेंसेस हो तो उसको रखना है, लेकिन अब ऑनलाइन के एविडेंसेस किस प्रकार से हमारे सामान्य तो नहीं रहे, क्योंकि पहले पूर्व निर्देश नहीं था, तो अब आगे निकट क्या करना, हरियाणा बोर्ड की भी अपनी कुछ ऐसी मांग संभवतः रह सकती है, और मांग न भी हो तो भी अपना विद्यालय अपने पूरे वर्ष भर का सारा परीक्षा का तंत्र हम चलाते हैं तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर अपने श्रीमान सेवाराम जी प्रकाश डालेंगे, और यदि कहीं आवश्यकता रहती है तो विपिन जी भी साथ में हैं ही, तो सेवाराम जी अब आप अपना विषय रख सकते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने परिचय करवाया सभी का, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे ये अनुमति दी कि मैं अपना कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट कर सकूं, और स्पेशली मैं थैंक्स कहूंगा आदरणीय श्री कुल श्रेष्ठ जी को कि उन्होंने मैं मुझे यह अवसर प्रदान किया। तो आज मैं एक बार अपनी स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि मैं कंटेंट्स को अच्छी तरह से आपको दिखा पाऊँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। I think now all of you can see my screen. जी दिख रही है। जी थैंक यू सो मच सर। तो मैं आप सभी का यहाँ पर वेलकम करता हूँ कि हमारी IT संकुल की ये कार्यशाला है, और इसमें हम 2 घंटे लगातार बैठने वाले हैं, लगातार इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स हमने क्लियर करने हैं, टॉपिक्स हमारा सबसे पहले रहेगा कि सबसे पहले हमें गूगल फॉर्म के द्वारा हम यह जानेंगे कि कोई भी एग्जामिनेशन अगर हमने कंडक्ट करना है, एग्जामिनेशन कंडक्ट से लेकर और रिपोर्ट जनरेशन तक, पहली बात तो यह है कि वहां से लेकर पूरे सारे प्रोसेस हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम कंडक्शन की बात होती है, तो जिस तरह का आजकल का समय चल रहा है, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो पहुंच हमारी बच्चों तक नहीं हो पाती, और अगर हम व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से कोई भी पेपर वहां पर कंडक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड रखना, जैसा अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया, तो बड़ा ही मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम गूगल फॉर्म को सबसे पहले फॉर्म एग्जामिनेशन कंडक्ट के लिए यूज करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, उस टॉपिक के अनुसार हम चेकिंग ऑफ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, गूगल फॉर्म में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो एग्जामिनेशन है वो हम करवा सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है वो तो ऑटोमेटिकली वहां पर चेक हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चेक होता है। और उसके बाद जो सब्जेक्टिव पेपर है वो, क्योंकि टीचर के द्वारा चेक होना होता है, टीचर पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो आंसर बच्चे ने दिए हैं उनको देखकर और फिर उनको मार्क्स अवार्ड करते हैं। इन द सेम वे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा किस तरह से सब्जेक्टिव पेपर को डिफरेंट टीचर्स के द्वारा चेक किया जाएगा, उनको कैसे शेयर कर सकते हैं हम, वो सारी जो पीडीएफ हमारे पास आएंगी। और थर्ड पॉइंट जो है कि हमने जो मार्क्स एंट्री करवानी है, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा जो टीचर ने चेक किया है वो मार्क्स उन्हीं के पास है, फिर उनकी मार्क्स को हमने किस तरह से सेंट्रलाइज करना है ताकि वो सारे के सारे मार्क्स हमारे पास एक कंप्यूटर में आ जाएं और हम उनको आगे फिर मैनिपुलेट कर सकें या उनको कंपाइलेशन जो भी करनी है हम वो कर सकें। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक रिपोर्ट कार्ड जनरेशन भी बताऊंगा कि ऑटोमेटिक जहाँ पर हमारे मार्क्स जब सेंट्रलाइज हो जाएंगे तो मार्क्स सेंट्रलाइज होने के बाद ऑटोमेटिक उनसे रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जहां तक हमारे विद्यालय में अगर 500 से लेकर 1000 स्टूडेंट्स तक की संख्या जब रहती है तो वहां पर हम ये सभी के सभी काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और उसमें हमारा सारा रिकॉर्ड भी मेंटेन रहता है और ताकि हम पूरे साल के लिए उस रिकॉर्ड को कभी भी उठा के देख पाए। तो अभी मैं इस स्लाइड को बंद करता हूं, मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। देखिए सबसे पहले मुझे यहां पर इसके लिए एक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है मेरे पास है कि मुझे एक ईमेल चाहिए जो जीमेल में बना हो, जीमेल का एक ईमेल आईडी मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक नया आईडी यहां पर बनाया है ताकि उसमें मैं आपको समझा पाऊं कि कैसे कैसे हमने यह सारा काम करना है। संकुल केकेआर के नाम से बनाया तो मैं पहले इसमें लॉग इन कर लेता हूं। यहां मैंने यह ईमेल आईडी, यह ईमेल आईडी मैंने आज ही बनाया है तो ताकि मैं सारा काम आपको बिल्कुल फ्रेश वे से बता पाऊं कि किस तरह से हम इसमें काम करेंगे। एक स्लाइड्स के नाम से यहाँ पे फोल्डर है उसको हम छोड़ देते हैं अभी। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। पहले तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने मेल आईडी खोली डायरेक्टली, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर गूगल ड्राइव को खोला हुआ था, ओपन किया हुआ था गूगल ड्राइव को, सो ऑटोमेटिकली गेट्स ओपन। सबसे पहले आपके पास ये आता है, वहीं से बताना शुरू करता हूँ किस तरह से हम गूगल ड्राइव में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी जनरली हम अपनी मेल आईडी खोलते हैं तो हमें ये वाला इंटरफेस दिखाई देता है। इस वाले इंटरफेस से जब हमें गूगल ड्राइव में आना तो गूगल ड्राइव के लिए यहाँ पर हमें एक ये गूगल एप्स का एक आइकन हमें यहाँ पर दिखाई देगा बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर में, वहां पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर गूगल की एप्स हमें मिलती हैं और यहीं पर हमें मिलेगा गूगल ड्राइव। दिस वन इज गूगल ड्राइव, आई हैव टू क्लिक ऑन दिस। नाउ यू कैन सी Google Drive area. In this Google Drive area, you can see the storage area is about 15 GB, free of cost. 15 GB का space हमें free of cost मिलता है। अगर by chance हमें लगता है कि हमें storage को और बढ़ाना है, हमारे पास छात्रों की संख्या ज़्यादा होगी या हमने कुछ examination कुछ ज़्यादा कर लिए वहाँ पे, उस केस में हम यहाँ पे at a time भी ये कर सकते हैं, by storage कर सकते हैं। by storage करने के लिए हम by storage पर क्लिक करेंगे, बट हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब तक हमारे पास 500 से लेकर 1000 तक स्टूडेंट्स है तब तक हमें आवश्यकता नहीं रहेगी इस काम की। लेकिन फिर भी बताना आवश्यक है कि बाय चांस कभी कभी ऐसी कंडीशन हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है कि वहां पर हमें अचानक ही स्पेस बढ़ाना पड़ जाए, तो आप यहां पर देखिए 15 GB फ्री मिलता है, 100 GB ₹130 पर मंथ एंड 200 GB ₹210 पर मंथ के हिसाब से। और अगर आप चाहते हैं कि आपने 2 GB स्पेस लेना तो ₹650 पर मंथ के हिसाब से हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये एनुअली यहाँ पे प्राइस बताया हुआ, एनुअली आपको कितना मिले, कितने रुपए में ये मिल सकता है यहाँ पर भी बताया, एनुअली के लिए अलग से बताया हुआ, तो आप उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आई कम बैक ऑन होम पेज। नाउ
I click on Google Drive again. I create a folder here, a fresh folder. मैंने इस फोल्डर को नाम दिया फॉर्म्स एंड डेटा. नाउ दिस फोल्डर इज क्रिएटेड हेयर. डबल क्लिक ऑन दिस फोल्डर. नाउ यू कैन सी दिस फोल्डर इज एम्प्टी. नाउ यू हैव टू राइट क्लिक ऑन एनीवेयर इन द फोल्डर, तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. आप इनमें से कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. अदरवाइज आप यहां से जाके भी ये एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं जहां पर न्यू लिखा हुआ है. चलिए मैं यहां पर एक फॉर्म यहां पर क्रिएट करने का प्रयास करता हूं. गूगल फॉर्म्स पर हमें आना है. ब्लैंक फॉर्म यहां पे हमने क्लिक किया. अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हम एक एग्जामिनेशन स्टार्ट करवाएंगे. हमने बच्चों को एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करवाना है उसके लिए मैं यहां पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का पेपर यहां पर डिजाइन करके आपको दिखाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैंने लिखा सब्जेक्टिव या क्लास सिक्स. बच्चों को इंफॉर्मेशन रहे कि हाँ ये फॉर्म का लिंक जो है वो किस लिए है, तो मैंने यहाँ क्लास और सब्जेक्ट ऊपर ही लिख दिया है. नेक्स्ट हम यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट के लिए इंस्ट्रक्शन. जो भी हमने लिखे हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे. अभी विल गेट टू पेपर्स हियर एक्टिव वन सब्जेक्टिव एंड आगे भी हमने इंस्ट्रक्शन लिख दी. And solve objective paper and upload of your solution paper. मेरे ख्याल से हम सभी को यह क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं. आप इसको और क्लियर कर सकते हैं जब आप आराम से बनाएंगे, तो और क्लियर लिख सकते हैं ताकि बच्चा आराम से समझ जाए. तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है मैं एक बार उसको एक बार खुद भी बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर बच्चे को दो पेपर मिलेंगे और स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो पेपर मिलेंगे. पहले वो जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसको सोल्व करेगा पेन पेपर पर, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पेपर है उसको सोल्व करेगा, और ऑब्जेक्टिव पेपर के लास्ट में बच्चे को वहां पर एक लिंक मिलेगा. उस लिंक पर ही वो अपना जो सब्जेक्टिव पेपर का सोल्यूशन उसने किया है उसको अपलोड कर देगा. नेक्स्ट मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर यहाँ पर अपलोड करता हूँ. सबसे पहले मुझे ऐड क्वेश्चन, आप अगर नया क्वेश्चन आपने कोई ऐड करना तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ क्वेश्चन ऐड नहीं करना, मुझे यहाँ पर पेपर अपलोड करना है. तो नेक्स्ट पर मैं आया यहाँ पर एड इमेज का है, तो मुझे अपने जो पेपर मैंने बनाया अभी जो भी मैंने पेपर सेट किया है, पेपर सेट करके मैंने उसकी जेपीजी बना ली है. जेपीजी बनाने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ब्राउज, क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर वो है तो मैं कंप्यूटर से उसको उठाऊंगा. अगर आपने कहीं गूगल ड्राइव में उसको सेव किया हो तो आप गूगल ड्राइव से भी ले सकते हैं. गूगल ड्राइव का ऑप्शन ये रहा तो आप यहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ब्राउज, देन go on desktop. In SRS folder I placed my paper and this is question paper. इसकी JPG मैंने बना लिया. पहले मैंने पेपर को वर्ड में बनाया, उसके बाद मैंने उसको JPG में कन्वर्ट कर लिया. Then open.
यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। सब्जेक्ट यहाँ लिख दे सब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव एग्जाम। नाउ दिस पेपर विल बी शो टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कैन सी दिस पेपर और वो अपना सॉल्यूशन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट में आता हूँ और यहाँ पर अपना नेक्स्ट सेक्शन भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अच्छा बनाने के लिए इसको, अदरवाइज क्योंकि वहाँ पर काफी टाइम लग जाएगा। अगर मैं सेक्शन वाइज उसको करूंगा तो मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं सीधा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर अपना शुरू कर देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा इसको मैं छोड़ देता हूँ ऐसे, यहाँ लिखा मैंने ऑब्जेक्टिव पेपर। नाउ एड अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, कोड इज इन डैश डिवाइस और यहाँ पर मैंने ऑप्शन उसको दे दिए, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, कोई भी एक आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया क्योंकि उससे पहले मुझे बच्चे का नाम और वो भी पूछना, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ऐसे छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन टाइप हो गए, यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर नेम। नेक्स्ट में हमने कहा एंटर योर नेम, ये हमने शॉर्ट आंसर टाइप ले लिया, यहाँ पर बच्चा अपना नाम एंटर करेगा। देन एंटर योर रोल नंबर, ये भी हमारा टेक्स्ट टाइप है। यहाँ से जो मैं रिक्वायर्ड कर रहा हूँ बार बार, रिक्वायर्ड का मतलब है कि ताकि बच्चा उसको एम्प्टी ना छोड़े, उस क्वेश्चन को स्किप ना करे। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा, रिक्वायर्ड को ऑफ कर दूंगा, इन दैट केस क्या होगा कि जो स्टूडेंट है उसको स्किप कर देगा, क्वेश्चन को स्किप कर देगा, तो गूगल मना भी नहीं करेगा क्योंकि हमने वहां परमिशन नहीं दे रखी है। तो हमें गूगल को कहना है कि इट इज रिक्वायर्ड फील्ड, रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। देन रोल नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर कर लेते हैं। नाउ एंटर योर क्लास एंड सेक्शन। नेक्स्ट में हम कहते हैं कि हमने यहाँ से क्वेश्चन हमारे शुरू कर दिए हैं और उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है। यहाँ हमने लिखा माउस, क्वेश्चन नंबर टू माउस। माउस इज एन आउटपुट है, इनपुट है, वो बच्चा बताएगा यहाँ पर। नेक्स्ट फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। मैं पांच क्वेश्चन यहाँ पर लूंगा, ओनली फाइव क्वेश्चन। क्वेश्चन का नंबर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन का नंबर थ्री था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पर मैं बस इसको ही चेंज कर देता हूँ, बाकी ऑप्शन ऐसे ही छोड़ देता हूँ। जो भी स्टूडेंट को लगेगा कि ठीक है वो उसको वहां पर क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, हमने लिख दिया प्रिंटर। प्रिंटर इज एन डैश डिवाइस, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनपुट, सेकंड इज आउटपुट, थर्ड वन इज प्रोसेसिंग। अभी ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो एक बार हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। हमारा सब्जेक्टिव पेपर हो गया, सब्जेक्टिव के बाद हमने
ये गलती से आ गया है, यहाँ पर आके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जो हमारा सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन में हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया। इन द ऑब्जेक्टिव पेपर देर आर 5 क्वेश्चंस। सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ड्राफ्ट करूँगा, वो क्वेश्चन हमारा होगा लिंक के लिए, ताकि मैं जो सब्जेक्टिव पेपर जो होगा उसको मैं यहाँ पर अपलोड करवा पाऊँ। मैं इसी क्वेश्चन की एक कॉपी यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ लिख देते हैं हम अपलोड योर सब्जेक्टिव पेपर पीडीएफ, और या हम कह सकते हैं आंसर शीट। एंड इन दिस आई हैव टू चेंज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन टाइप इज फाइल अपलोड, because I have to upload a file here. Now you have to click on continue. यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं, उनको हमें यहाँ पर सही से चेक करना होता है। अलो द ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, कि यदि हम चाहें तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, चाहे कोई बच्चा डॉक्यूमेंट में उसको अपलोड करे, चाहे प्रेजेंटेशन में अपलोड करे। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारा ड्राइव का साइज है, क्योंकि हमारे पास ओनली 15 GB है, तो उसमें हमें दिक्कत आएगी। अगर मान लो किसी बच्चे ने कोई वहां पर वीडियो डाल दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसके, कोई इमेज डाल दी तो इमेज भी ज्यादा साइज लेती है इन द कंपैरिजन ऑफ पीडीएफ। सो फॉर दैट वी विल क्लिक ऑन पीडीएफ ओनली। तो सिर्फ और सिर्फ केवल यहाँ पर जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ अपलोड कर पाएगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ फाइल्स, कितनी नंबर फाइल्स वो अपलोड कर पाए, 1, 2, 3। तो हम बच्चे को पहले ही इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपने जो भी सॉल्यूशन करना है, चाहे आपका 1 पेज पे हो, 2 पेज पे हो, 3 पेज पे हो, यू हैव टू मेक अ सिंगल पीडीएफ ऑफ दैट विद द हेल्प ऑफ योर फोन। आपने अपने फोन की हेल्प से एक सिंगल पीडीएफ वहां पे जनरेट करनी है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ कहा कि सिंगल फाइल ही वो अपलोड कर पाए। मैक्सिमम फाइल का साइज कितना हो, तो आप 10 MB दे सकते हैं, क्योंकि जो पीडीएफ का जो साइज होता है वो काफी कम होता है, वो KB में होता है। तो आप जो 10 MB है इनफ है, फिर भी अगर आप चाहें तो इसको 100 MB भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड द नेक्स्ट इज दैट वहां पर लिखा हुआ दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू 1 GB ऑफ फाइल्स। सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो ज्यादा है, तो उस केस में हम यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू 1 GB की जगह हम चेंज करेंगे। चेंज करते हुए हमने बताना है यहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमम साइज ऑफ All files uploaded. इस लिंक के द्वारा कितनी फाइल्स अपलोड हो सकती है, तो हमने वहां पे कहा कि 10 GB। अगर हमने स्पेस को परचेज किया हो तो वहां पे हम 100 GB भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम फ्री वाला जो स्पेस है उसको यूज कर रहे हैं या हमने पे किया हुआ है। तो फिर पे किया हुआ तो हम 100 GB लेंगे यहाँ पर, अदरवाइज हम 10 GB यहाँ पर क्लिक कर देंगे। 10 GB का इस फॉर्म के द्वारा डाटा जो है वो आ सकता है। नाउ आई क्लिक ऑन सेव। अभी हमारा यह पेपर लगभग तैयार हो गया, लेकिन इसकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इनकी मार्किंग नहीं हुई है। इनकी मार्किंग करने के लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। टॉप राइट कॉर्नर में हमें एक सेटिंग का बटन दिखाई देता है, वी विल क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन क्विज। हियर इज जनरल प्रेजेंटेशंस एंड क्विजेस। तो आई हैव टू क्लिक ऑन क्विजेस। नाउ मेक इट अ क्विज। नाउ हियर आर सम इंस्ट्रक्शन। तो ये हमसे पूछता है कि क्या आप बच्चे को ग्रेड उसी टाइम देना चाहते हैं जैसे बच्चे ने सबमिट किया है पेपर। तो हमने कहा कि नहीं, हम उस टाइम नहीं देना चाहते, हम बाद में रिव्यू करके पेपर को, उसके बाद हम खुद बताएंगे बच्चे को। नेक्स्ट है कि क्या वो जो गूगल फॉर्म है वो बच्चे को मिस्ड क्वेश्चन वहां पे डिस्प्ले करें। अगर उसने कोई क्वेश्चन मिस किया, तो हमने कोई मिस के लिए छोड़ा ही नहीं, हमने सबको कंपल्सरी किया क्वेश्चन को, तो हम इसको हटा देते हैं। और अगर बच्चा कहीं भी क्लिक करता है तो क्या वो करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर में उसको बताए, ऐसा भी नहीं करना होता, नहीं तो एक बच्चा दूसरे स्टूडेंट को फिर बता देगा। तो ये तो मैंने हटा दिया। नेक्स्ट है पॉइंट वैल्यू। तो जब स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है, क्या उसको पॉइंट वैल्यू दिखनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो ये दिखना चाहिए। इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम दोबारा एक बार और आते हैं क्विज पर। जैसे ही हम इसको क्विज करते हैं तो एक यहाँ पर क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलेक्ट ईमेल्स का ऑप्शन क्लिक हो जाता है, तो हमने इसको हटा देना है। सो वी डिसलेक्ट इट। एंड देन एक और सेटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं, वो सेटिंग हमारे पास ये है,
रिक्वायर साइन इन। तो हमने कहा कि जो लोग जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एग्जामिनेशन देगा एक बार, वो सिर्फ वन टाइम ही दे। ऐसा ना हो कि एक ही बच्चा चार बार एग्जाम को वहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ एक बार, एक डिवाइस से एक बार ही दे पाएगा। हमने इसको सेव कर लिया। नाउ यू कैन सी आवर पेपर इज रेडी एंड नाउ वी कैन सेंड इट टू द स्टूडेंट। बट बिफोर सेंडिंग इट टू द स्टूडेंट आई हैव टू गिव द मार्क्स टू ऑल दीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन क्वेश्चन आंसर। सपोज इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इनपुट है, और यहाँ पर मैंने इसको दो नंबर यहाँ पे अवार्ड कर दिए हैं। नंबर टू, ये क्वेश्चन नंबर टू है, माउस इज एन इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे मैंने आंसर बताया इसको कि इसका राइट आंसर कौन सा है, ये राइट आंसर है। और यहाँ पे इसको अवार्ड कर दिया मैंने 2 मार्क्स। अगेन फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड, फुल मेमोरी ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्लिक ऑन आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, 2 मार्क्स, डन। क्वेश्चन नंबर फोर, क्लिक ऑन आंसर, फुल फॉर्म ऑफ रॉम, रीड ओनली मेमोरी, दिस इज द राइट आंसर, नंबर टू, डन। नंबर फाइव, फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर फिफ्थ क्वेश्चन आई विल आंसर प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ओके। नाउ आई अवार्ड दिस क्वेश्चन टू, 2 मार्क्स, डन। नाउ माई पेपर इज रेडी, बट बिफोर सेंडिंग इट टू द स्टूडेंट्स आई विल मेक अ प्रीव्यू ऑफ दिस पेपर। आई हैव टू क्लिक ऑन प्रीव्यू, दिस आई बटन। नाउ यू कैन सी बच्चे को इस हिसाब से हमारा पेपर जो है शो होगा। सबसे पहले स्टूडेंट के पास ये इंस्ट्रक्शन जाएगी, स्टूडेंट ये इंस्ट्रक्शन सब पढ़ेगा और उसको यह भी पता चलेगा कि वो किस ईमेल आईडी के द्वारा उसको भेजा गया है। ये ईमेल आईडी यहाँ पर उसको शो होगी। सब्जेक्टिव पेपर में ये है, स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने इसको पेन पेपर पे यानी कि अपनी नोटबुक में इसको सारे इसके क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर दिया, उनके आंसर लिख लिए। उसके बाद उसने उनको साइड में रख दिया या उसकी उसने पीडीएफ बना ली। पीडीएफ बनाने के बाद नेक्स्ट पर उसने क्लिक किया और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम आ गया। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बच्चे ने अपना नाम भरा। सपोज अपना नाम यहाँ पर भर देता हूँ। सपोज मेरा रोल नंबर यहाँ पर है 6501 एंड एंटर माई क्लास 6th। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, माउस इज एन आउटपुट डिवाइस, फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी एंड प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। नाउ आई हैव टू अपलोड माई फाइल। जो सब्जेक्टिव पेपर मैंने अभी सॉल्व किया था अपनी नोटबुक में, उस पर हमने एड फाइल पर जाना है। नाउ सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। अब मैंने उसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ बनाकर मैंने कहीं ना कहीं उसको रखा होगा, अपने कंप्यूटर में सेव किया होगा या अपने मोबाइल में सेव किया होगा। अगर मैंने मोबाइल से पीडीएफ बनाया तो मेरे मोबाइल में कहीं ना कहीं होगा, तो मुझे उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। नाउ दिस इज आंसर शीट। ये आंसर शीट है जो मैंने सॉल्व करके यहाँ पे पहले से अपलोड की हुई है, पहले से मैंने रखा हुआ ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। नाउ क्लिक ऑन आंसर शीट टू अपलोड दिस एंड वी कैन सी हेयर this sheet I have prepared this sheet on computer, so its size is 400 KB. So 400 KB koi zyada size nahi hota. So now I upload this file. You can see this file is getting upload. Now finally I have to click on submit. Submit. Your response has been recorded. अगर मैं इस कंप्यूटर पर दोबारा से पेपर देने का प्रयास करूंगा तो मैं दोबारा से पेपर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको वन टाइम के लिए ही कहा है कि एक डिवाइस से एक टाइम ही स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट कर सके। नाउ आई गो बैक इनटू माय गूगल ड्राइव। नाउ यू कैन सी दिस इज माय फॉर्म। नाउ आई वॉन्ट टू चेक हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन पेपर। Click on responses. तो response में हमें यहां पर ऊपर one response
लेकिन इस तरह से यदि एक या दो स्टूडेंट्स ने पेपर अटेम्प्ट किया तो उनका तो हम देख सकते हैं, बट अगर काफी सारे बच्चों ने 500 स्टूडेंट्स ने या 600 स्टूडेंट्स ने पेपर को अटेम्प्ट किया उस केस में हम नहीं यहाँ पर ये चेक कर पाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे। ये दिस इज ग्रीन टाइप आइकन हियर, आई हैव टू क्लिक ऑन इट। नाउ क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट। एंड नाउ यू कैन सी जिस स्टूडेंट ने पेपर दिया है, एंटर स्टूडेंट नेम सेवाराम, यहाँ पर सेवाराम हो गया और रोल नंबर ये है, क्लास ये है और ये क्वेश्चन के उन्होंने आंसर दिया है और स्कोर इसका ये आ गया, स्कोर इसका ये आ गया 10 में से 8 क्वेश्चन उसने, यानी कि 10 मार्क्स में से 8 क्वेश्चन बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं इस हिसाब से। और इसका सब्जेक्टिव पेपर जो है, सब्जेक्टिव पेपर का लिंक भी यहाँ पर आ गया है। अब यदि हम चाहें तो हम सिर्फ ये वाली सीट, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का इस तरह से लिंक आ जाएगा, सभी के मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो पीडीएफ फाइल है, आप चाहो तो कि हमने इस पीडीएफ को चेक करना है तो पीडीएफ पर आप यहाँ आइए और यहाँ के हम चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी। व्हाटसोएवर मैंने यहाँ पर नाम कोई और लिखा था, सॉरी फॉर दैट, वहां पर मैंने अपना ऑब्जेक्टिव टाइप में अपना नाम लिखा है, तो ये तो मैंने सिर्फ सैंपल बताया था आपको। नाउ आई कम बैक ऑन माय एक्सेल शीट। सपोज यहाँ पर लगभग अलग अलग सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन पेपर आंसर शीट आ गई हैं, तो फिर मुझे ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर को किस तरह से अलॉट करना है ताकि वो भी चेक कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पर एक बटन है ऊपर, आप देख सकते हैं शेयर बटन। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन शेयर बटन और जिस भी व्यक्ति को मैं यहाँ पर शेयर करवाना चाहता हूँ ये चीज, मैं उस पर्टिकुलर टीचर का यहाँ पर ईमेल आईडी लिखूंगा। जैसे ही आपका करेक्ट ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगा तो वो ईमेल आईडी गूगल अपने आप से सर्च कर लेगा और सर्च करने के बाद आपने आपको वो शो करेगा, शो करने के बाद आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप चाहें कि उनको नोटिफिकेशन मैसेज भी चला जाए, साथ में एक मेल चली जाएगी उनको, तो आप सेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे परमिशन भी सेट कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिस टीचर को मैंने यहाँ पर सेंड किया है या गलती से किसी और व्यक्ति को सेंड हो गया है, मान लो वो हमारा टीचर था ही नहीं, अगर हमने उसको एडिटर की परमिशन दे दी तो हो सकता है वो हमारी शीट को डिलीट कर दे, तो मैंने यहाँ पर उनको एडिटर की परमिशन देनी ही नहीं है। कई बार गलती से हो भी जाता है कि हमारा क्लिक हो जाता है और शीट डिलीट हो जाती है, तो हमने यहाँ पर उसको व्यूअर की परमिशन देनी है, व्यूअर। नाउ क्लिक ऑन सेंड। अब ये जो सीट है ये विपिन जी के पास आराम से खुल जाएगी और विपिन जी एक्सेल की सीट में आकर यहाँ अपने जो भी उनके क्लास के स्टूडेंट होंगे उनके सामने इस लिंक पर आएंगे और इस लिंक पर आकर उसको ओपन करके उसको जो भी मार्क्स उन्होंने अवार्ड करने हैं वो मार्क्स उनको आप दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पेपर कंडक्शन विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म। अब यहां पर अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई डाउट लग रहा है तो यू कैन आस्क मी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके जो क्वेश्चन है, आपकी जो क्वेरीज हैं वो भी लेता चलूंगा ताकि मैं आपको बता पाऊं कि हाँ वहां पर वो, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर रोल बैक होना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपकी कोई क्वेरी है यहां तक तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। आई थिंक यहां तक कोई, यस हाँ श्रीमान सोमदत्त सर, जी सर बोलिए, आई अनम्यूट यू। सर आप अनम्यूट कीजिए, सोमदत्त सर आप अनम्यूट कीजिए, मेरी तरफ से नहीं हो पाएगा, आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। जी सर सर मुझे लगता है कि आपसे गलती से ऑन हो गया है, तो सर मैं आपकी
आपकी क्वेरी नहीं समझ पा रहा इसलिए मैं सर आपको म्यूट कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज सर। ओके थैंक यू सो मच सर। एनीबॉडी एल्स हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल वे था ये, आप आई होप कि आप सभी को इसके बारे में पता है कि हाउ टू क्रिएट द गूगल फॉर्म एंड हाउ टू टेक अ टेस्ट थ्रू गूगल फॉर्म्स। ओके लेट्स गो अहेड। नाउ द सेकेंड स्टेप इज दैट सपोज यहाँ पर हमारा सिक्स क्लास का भी एग्जाम था, सेवन्थ का भी एग्जाम था, एट्थ का भी है, नाइन्थ का भी है, टेंथ का भी है, फर्स्ट टू एट्थ क्लास तक के मान लीजिए सभी एग्जाम्स हैं। अब ये मार्क्स तो हमारे पास आ गए, मैं यहाँ से इनको कॉपी करूंगा और इस वाले कॉलम को उठाऊंगा, तो इस वाले कॉलम को और साथ में ये रोल नंबर आ गया, सारा कुछ आ गया, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा और ये तो मेरा मेंटेन हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो तो मेंटेन हो गया, बट हाउ आई कैन टेक द मार्क्स ऑफ सब्जेक्टिव पेपर? अब सब्जेक्टिव पेपर तो आपने चेक किया है थ्रू लिंक, उसके बाद आपने अपनी नोटबुक में उसके क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो आपने लिख लिए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में एक वन मार्क्स है, सेकंड क्वेश्चन में टू मार्क्स है, थर्ड क्वेश्चन में फोर मार्क्स है एंड सो ऑन। बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि वो सारे मार्क्स किस तरह से सेंट्रलाइज हो हमारे पास, क्योंकि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर के पास तो हैं लेकिन वो एक ही कंप्यूटर पर कैसे आए, स्कूल जो भी एग्जाम के इंचार्ज हैं या जो भी कंप्यूटर के टीचर हैं जो एग्जाम का काम देखते हैं उनके पास वो एग्जाम कैसे आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बड़ा ही सिंपल काम है। फॉर्म एंड डाटा में मैं इस टाइम हूँ, तो डाटा के लिए मैं यहाँ पर एक्सेल शीट यहाँ पर क्रिएट करूंगा, क्रिएट गूगल शीट। नाउ आई टाइप रोल नंबर, रोल नंबर, नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, और उसके बाद हमने कहा यहाँ पे हिंदी के मार्क्स आ जाएं। दिस मैथ साइंस SS हम क्या करेंगे कि इस वाली जो सीट है उसको हम पहले से क्रिएट कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर है, मान लीजिए हम थर्ड क्लास के रोल नंबर को यहाँ पर ले रहे हैं, थर्ड है, फोर्थ है या जो भी है, हम यहाँ पर पहले उनके रोल नंबर यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने के बाद यहाँ पर उनके नाम हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हेयर ABC, now I give the name of this file to suppose third A, third A. Suppose third A section का ये data है और हम ये sheet third A teacher को जो class इंचार्ज होंगे उनको share करवा देंगे। शेयर करना मैंने अभी बताया आपको, यू हैव टू क्लिक ऑन शेयर, देन गिव द ईमेल आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर हु इज द इंचार्ज ऑफ थर्ड ए क्लास। तो सपोज क्योंकि मेरे पास इस टाइम ईमेल आईडी विपिन सर का ही है, तो मैं विपिन सर का मेल आईडी यहाँ पर दे देता हूँ। और एडिटर की परमिशन यहाँ पर जब हम मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, मार्क्स डिफरेंट टीचर से, डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर से जब हम मार्क्स को इकट्ठा कर रहे हैं, सेंट्रलाइज कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें एडिटर की परमिशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने एडिटर की परमिशन दी, नोटिफिकेशन उनको चला जाए। आप यहाँ मैसेज भी लिख सकते हैं, योर क्लास शीट फॉर मार्क्स एंट्री फॉर हाफ ईयरली एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम उस टाइम है आप उसके बारे में मैसेज यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन सेंड। तो जो भी टीचर होंगे थर्ड क्लास के
उनको ये मैसेज भी साथ में चला जाएगा, उनको एडिटर की परमिशन भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे यदि आप चाहें शीट में आप भी साथ साथ काम कर सकते हैं, और आप मान लीजिए यहाँ पर आप आगे टोटल का कॉलम लगाना चाहते हैं, टोटल देन परसेंटेज, टोटल जो मैं करना चाहता हूँ तो इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे। मेरे ख्याल से वैसे तो ये सभी हमारे कंप्यूटर टीचर को पता है इसके बारे में कि किस तरह से हमने फॉर्मूला को अटेम्प्ट करना है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो मैं इसकी परसेंटेज के लिए 7 से उसको 100 में से मान के चल रहा हूँ। तो टू टेक अ परसेंटेज और एवरेज, आई क्लिक ऑन दिस इक्वल साइन देन दिस कॉलम एंड डिवाइड इट बाय 7, तो इसकी परसेंटेज जो होगी वो भी मेरे पास अपने आप से आ जाएगी। उसके बाद आप इस कॉलम को ब्रेक कर दीजिए, जहाँ तक भी आपके स्टूडेंट्स की संख्या है वहां तक आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब आप यदि चाहते हैं, कई बार ये रिक्वायरमेंट रहती है कि जो भी हमारा टीचर है कि वो यहाँ पर मार्क्स तो भर सके, यहाँ पर मार्क्स भर सके, लेकिन वो कभी भी ऐसा ना कर पाए कि यहाँ पर रोल नंबर की सिक्वेंस को ही चेंज कर दें। कई बार क्या होता है कि हमारी नॉलेज में नहीं होता कि मान लो सी जो है, सी सी का रोल नंबर तो हमने 4 कर दिया था, तो जो क्लास इंचार्ज होगा हो सकता है वो वहां पर चेंज कर ले। चेंज करने के बाद फिर हमने जो कैलकुलेशन लगाई हुई है वो हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी, तो उस केस में हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट दिस सीट, आई क्लिक ऑन दिस लिंक, देन क्लिक ऑन डेटा, क्लिक ऑन प्रोटेक्टेड सीट एंड रेंज। यहां पर देखिए A1 से लेकर B12 तक अपने आप से ये जो परमिशन है वो सेट होगी, सेट परमिशन। इसको हमने क्या करना है कि ये जो परमिशन है इसमें अगर चेंज करूं तो सिर्फ मैं ही कर पाऊं, बाकी और ना कर पाए। डन। अब जिस टीचर के पास ये जाएगी इंफॉर्मेशन, तो यहां से और यहां तक की रेंज में वो टीचर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर वो एंट्री करना चाहते हैं वो सिर्फ यहां पर एंट्री कर सकते हैं। इन द सेम वे आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस एरिया ऑल्सो, बिकॉज आई हैव पेस्टेड अ फॉर्मूला हियर, ताकि यहाँ पर कोई भी डिलीशन वगैरह ना हो। डिलीशन वगैरह हो गया तो मेरा फॉर्मूला जो है वो हट जाएगा। फॉर दैट अगेन आई गो टू डाटा एंड प्रोटेक्टेड शीट्स एंड रेंजेस, एंड अगेन आई क्लिक ऑन सेट परमिशन, एंड अगेन आई क्लिक हियर टू ओनली यू। ओनली यू मीन्स ओनली द एडमिनिस्ट्रेटर कैन एडिट दिस एरिया। डन, सेव चेंजेस। तो अब इस सीट में यहाँ से यहाँ तक तो कोई भी टीचर जिसको भी मैंने परमिशन दी है वो एंटर कर सकते हैं डाटा, बाकी इस एरिया को और इस एरिया को वो नहीं टच कर पाएंगे। तो इस तरह से जैसे ये थर्ड क्लास का एग्जांपल है, इसी तरह से हम फोर्थ क्लास का एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, यानी कि आप डिफरेंट सीट्स वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ये थर्ड क्लास की सीट जो है क्रिएट हुई है, नेक्स्ट हम एक सीट और क्रिएट कर लेते हैं, डाटा हम यही लेंगे क्योंकि हमें इन्हीं फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूं। अगेन क्लास थर्ड ए की सीट हमारे पास यहां पर आ गई है, अगेन गूगल सीट, आई पेस्टेड द डाटा हियर व्हिच आई टेकन फ्रॉम द लास्ट सीट, एंड नाउ आई चेंज द रोल नंबर because now I am preparing the data sheet for fourth class, 401, 402, again. I drag this column. You can see the roll number given in a sequence. और यहाँ पर जो मैंने restriction लगाई थी वो restriction मुझे यहाँ पर फिर दोबारा से लगानी पड़ेगी। डेटा प्रोटेक्टेड सीट, वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है नहीं लगानी है, वो आप देख सकते हैं। डेटा एंड प्रोटेक्ट सीट्स एंड रेंजेस, only you can।
नाउ नाउ अगर आप में से कोई चाहता है कि आप इस सीट में एंट्री करके देखना चाहते हैं तो आप मुझे अपना मेल आईडी एक बार बता दीजिए, मैं आपको ये सीट अभी शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पर, तो ताकि आप उसको उसमें एंट्री करके देख सकें। और आप जैसे ही एंट्री करेंगे रियल टाइम में मेरे पास वो एंट्रीज आ जाएंगी। अगर कोई भी देखिए मैंने हमारे पास जो है श्री विपिन जी बैठे हुए हैं, विपिन जी अभी एक एंट्री कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे कैसे एंट्री करेंगे। आपने कौन सी क्लास का? थर्ड क्लास। तो मैं थर्ड क्लास का जो सीट है वो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ, सर उधर से डाटा इनपुट कर रहे हैं और वो डाटा मेरे पास आ रहा है, सर किसी दूसरे कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, वो जैसे जैसे डाटा को एंटर कर रहे हैं वो डाटा मेरे पास आ रहा है और वो कैलकुलेशन भी हो रही है। आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन भी अपने आप से हो रही है, जो भी हमने टोटल लगाया था, परसेंटेज लगाई थी। तो इस तरह से आप डाटा को सेंट्रलाइज कर सकते हैं और रियल टाइम में आपको पता चल पाएगा कि किस व्यक्ति ने काम कर दिया है कंप्लीट और किस व्यक्ति का अभी पेंडिंग है। अगर किसी टीचर का कहीं पर कोई काम रह जाता तो हम उसको तुरंत बता सकते हैं कि आपका कुछ काम पेंडिंग हो गया तो आप मुझे दे दीजिए, मैं कंप्लीट कर देता हूँ एंड सो ऑन। जैसे भी उस टाइम की परिस्थिति है वो हम वहां पे बता सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये बड़े ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई अलग से पेमेंट नहीं करनी है, अलग से कुछ ऐसा नहीं करना है। ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच विपिन सर। विपिन सर ने ये जो एंट्री है वो हमारे सामने कर दी है, तो हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस शीट आई विल क्रिएट द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज दैट टू क्रिएट रिपोर्ट कार्ड। इस सीट को लेकर ही मैं रिपोर्ट कार्ड को जनरेट करूंगा। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। सोमदत्त जी आ गए हैं, उन्होंने हाथ उठा रखा है, पूछ लीजिए कुछ। हाँ सोमदत्त सर, नमस्कार सर। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार जी, मैंने अटेंडेंस के लिए हाथ उठाया था सेवा सिंह जी। हाँ सर, पता नहीं क्यों मतलब वहां पर ना वो आवाज नहीं आ रही थी, आवाज कुछ और आ रही थी जैसे, तो ऐसे मुझे लगा कि शायद गलती से हो गया। प्लीज हाँ बताइए सर, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। मेरी कोई क्वेरी नहीं थी सेवाराम जी, ये हाथ जो आया हुआ है तो मैंने अटेंडेंस के लिए लगाया था। सॉरी सर। हाँ वो कई बार रहता है इस पे, कई बार रिफ्रेश नहीं होता, सॉरी फॉर दैट सर। थैंक यू सर। ये अभी भी अटका हुआ है हाथ वहीं पे। हाँ, कभी कभी होता है सर इसमें ऐसा, ये टीम्स की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये रिफ्रेश नहीं होता है तुरंत। ठीक है सर। ये सेवाराम जी। जी सर। ये हर सब्जेक्ट टीचर को अलग अलग सीट भेजेंगे, कैसे करेंगे? नो सर, नो। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट टीचर है, मान लीजिए विपिन जी थर्ड क्लास को पढ़ाते हैं, तो मैं सिर्फ विपिन जी को ये सीट शेयर करूंगा, बाकी जो सब्जेक्ट टीचर हैं जो थर्ड क्लास को पढ़ाते हैं उनको तो क्लास इंचार्ज को पता होता है कि ये वो जो सब्जेक्ट टीचर है वो विपिन जी को अवार्ड लिस्ट भेजेंगे अपनी। ये केवल क्लास टीचर को भेजेंगे, वो भर करके रिजल्ट देंगे परीक्षा को। हाँ, वो रिजल्ट भर के एग्जाम डिपार्टमेंट को बता देंगे कि हाँ मेरा काम हो गया है, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ बताना, उन्होंने भेजना कुछ नहीं है, जस्ट उन्होंने बताना कि मैंने अपनी सीट को कंप्लीट कर दिया, ऑटोमेटिकली वो सीट मेरे तक पहुंच जाएगी। ठीक ठीक जी सर, थैंक यू। अब सोमदत्त जी असली वाला हाथ उठा रहे हैं, पूछिए। जी सर। सोमदत्त सर जी अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। हाँ जी सर बोलिए सर। जी है हमारे विद्यालय से, वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको परेशानी आ रही है, आपकी ओर से कोई उनको असिस्ट कर ले। सर कंचन शर्मा, उनका मेरे पास मैसेज आया है, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा उनका। सर जिनके लेट आए ना उसमें सर एक हमारे पास ये दिक्कत रहती है सर, टीम्स में, टीम्स किसी भी आईडी को एक्टिवेट होने के लिए 24 आवर्स का टाइम लेता है,
जिन लोगों के 24 आवर्स पहले हमारे पास जो डिटेल्स आ गई थी, हमने उनके आईडीज क्रिएट कर दिए। वैसे आईडीज तो जिनके बाद में भी आए हमने क्रिएट कर दिए, लेकिन वो क्योंकि 24 आवर्स का टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उस कारण से उनका जो आईडी है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा सर। आईडी तो उनका सेवाराम जी परसों जनरेट हो गया था, जो आपने पीडीएफ भेजा उसमें उनकी आईडी है। उनकी आईडी है जी सर जी। सर एक बार नाम बताइए। कंचन शर्मा। कंचन शर्मा जी। जी सर देखो चेक कर लेते जी सर, वो विपिन सर उनसे डिस्कस कर रहे हैं, भी हो जाएगा जी सर। जी धन्यवाद सर। नाउ चलिए हम थोड़ा और आगे मूव करते हैं। मैं सारी विंडोज जो है उनको बंद कर देता हूं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको भी अच्छी तरह से समझ आए। नाउ अगेन आई ओपन द फाइल ऑफ थर्ड ए क्लास स्प्रेडशीट। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू क्रिएट द रिपोर्ट कार्ड। सेंट्रलाइज का प्रोसेस आई होप आप सभी को समझ में आ गया, किस तरह से हम मार्क्स को सेंट्रलाइज कर सकते हैं डिफरेंट टीचर्स को, हम वो सारा डाटा भेज कर। और ये सीट किनको शेयर थी देखिए, यहाँ पर एक आइकन आ रहा है जिसमें विपिन जी के जो चित्र है वो हमें दिखाई दे रहा है कि विपिन जी को ये सीट शेयर थी। तो आपको हर एक टीचर का जो भी आप जिसको भी आप शेयर करेंगे वो हर एक क्लास इंचार्ज को आपको यहाँ पे दिखाएगा कि हाँ ये इस व्यक्ति को शेयर है। नेक्स्ट टू क्रिएट रिपोर्ट कार्ड और जनरेट रिपोर्ट कार्ड वी हैव टू क्लिक अ न्यू डॉक्यूमेंट। पहले हमें रिपोर्ट कार्ड की टेम्पलेट को डिजाइन करना पड़ेगा। आई हैव टू क्लिक ऑन गूगल स्लाइड्स फॉर एग्जाम्पल। गूगल स्लाइड में ही अच्छे से हो पाता तो इसलिए मैं गूगल स्लाइड को लेता हूँ। गूगल स्लाइड में हम अच्छे से जो रिपोर्ट कार्ड है उसका टेम्पलेट बना पाएंगे। वहां पर हमें काफी सारी फीचर टेक्स्ट बुक्स वगैरह की फीचर जो है वो मिल जाती हैं। वर्ड वगैरह में एमएस वर्ड जो होता है या गूगल का जो वर्ड है डॉक है उसमें हमें ये फीचर थोड़ी कम मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मेरे सामने पेज खुला हुआ, आप चाहें तो यहाँ से कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं, ये कोई भी टेम्पलेट आप ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे टेम्पलेट नहीं लूंगा क्योंकि उसमें हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और सही से समझ में नहीं आएगा। नाउ आई क्लिक ऑन फाइल, क्योंकि यहाँ जो टेम्पलेट का साइज होता है, ये जो स्लाइड्स का जो साइज होता है, हम देख रहे हैं कि ये लगभग लैंडस्केप हमें साइज दिखाई देता है। तो हमारे रिपोर्ट कार्ड तो ऑलमोस्ट लैंडस्केप नहीं होता, वो तो पोर्ट्रेट होता है। तो इसको पोर्ट्रेट करने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन फाइल। नाउ गो टू पेज सेटअप। नाउ वाइड स्क्रीन, क्लिक ऑन वाइड स्क्रीन एरो, क्लिक ऑन कस्टम, क्लिक ऑन कस्टम, देन गिव अ प्रॉपर साइज। एंड जो हमारे पास A4 पेपर का जो साइज होता है वो लगभग होता है 8x11, वैसे 11.5 होता है फिर भी मैं 11 ही रखता हूँ, 8x11 inches। आई अप्लाई दिस साइज हियर एंड नाउ वी कैन सी द साइज इज लाइक A4 साइज। मैं इसी को एक बार दोबारा बता देता हूँ, कई बार हमारे रहता है कि कुछ स्टेप मिस ना हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो ऑन फाइल, देन इन पेज सेटअप, क्लिक ऑन पेज सेटअप। हेयर वी कैन डिफाइन द साइज, वाइड स्क्रीन स्टैंडर्ड एंड सो ऑन। हेयर आई कैन गिव द कस्टम साइज, 8x11 फॉर A4 साइज। अप्लाई। नाउ remove all the text boxes from this slide. Yes, now this is plain. Now I want to place here any logo. अगर मेरे पास कोई भी logo है वो मैं यहाँ पर insert करवा सकता हूँ, but काफ़ी time लग जाएगा हमें logo insert करवाने, पहले logo ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपके लिए पहले से एक हेडर जो है इसका बना के रखा हुआ है, अपने गीता निकेतन स्कूल का हेडर है, वही हेडर मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर,
आपके पास यदि गूगल ड्राइव में कोई हेडर पड़ा तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास पहले से ये देखिए, ये पहले से मैंने अपने जो लोगो है उनको डाउनलोड किया हुआ है, आप इन लोगों को भी यूज़ कर सकते हैं। लोगों को यूज़ करके आप फिर उनको सेट करके लिख सकते हैं, पर वहाँ पर टाइम लग जाएगा मुझे सेट करते हुए, इसलिए मैंने रिपोर्ट कार्ड हेडर यहाँ से लिया हुआ है, मैं उसको ही यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। यस, ये रिपोर्ट कार्ड हेडर आ गया मेरे पास। नाउ ये रिपोर्ट कार्ड हेडर आ गया, मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से देख पाए, अच्छी तरह से विजिबल होए। ये हेडर बनाने के बाद अब मुझे नेक्स्ट प्लेस पे क्या चाहिए, नेक्स्ट प्लेस पे मुझे चाहिए यहाँ पर, वहां पर मुझे टेक्स्ट बुक्स ही लगाने पड़ेंगे। नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट, देन अगेन। अब यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान बिल्कुल रखना है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना, टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें दिक्कत रहेगी। नेक्स्ट थिंग, रोल नंबर और सपोज वी हैव ऑल्सो टेकन द क्लास हियर, टेक्स्ट बॉक्स क्लास। नेक्स्ट थिंग, मार्क्स डिटेल मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मार्क्स डिटेल के लिए मैं यहाँ पर एक टेबल को इंसर्ट करवाऊंगा। इंसर्ट टेबल, टेबल में मुझे तीन कॉलम चाहिए, थ्री कॉलम्स एंड रोज 6, 7, 8, 9 रोज मुझे चाहिए यहाँ पर। यस, कंचन जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, कंचन शर्मा जी म्यूट कीजिए। यस, नेक्स्ट इज हियर आई टाइप सब्जेक्ट, ऑल द सब्जेक्ट्स नेम विल बी हियर। नेक्स्ट, मैक्सिमम मार्क्स, नेक्स्ट ऑब्टेन मार्क्स, सब्जेक्ट। अब मुझे सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस लेना है और जो नाम लेने हैं बिल्कुल वही लेने हैं जो मेरे पास एक्सेल शीट में है। अगर वहां मैंने कोई अपर से लोअर ले लिया या बीच में कोई स्पेस दे दिया तो मेरा जो काम है वो नहीं चलेगा, इसलिए मैंने इन सबको अपर केस में रखा था ताकि मेरे पास कोई दिक्कत ना आए। तो फॉर दैट हिंदी, इंग्लिश, मैथ मुझे इस तरह से याद करके यहां से चलना पड़ेगा। हिंदी, इनको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो यहां पर आगे ऑप्टेन में दूंगा वो मुझे सेम लिखना पड़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस, देन एंड लास्ट वन इज एंड उस हम 100 से इसको काउंट कर रहे हैं कि 100 से ही होंगे, 100, 100, 100,
100 इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी इसमें हमने काम नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी फॉर्मेट हमारा रहता है। रिजल्ट में आप लिखना चाहे तो रिजल्ट भी लिख सकते हैं, क्लास इंचार्ज एंड नेक्स्ट वन इज जो स्टैंप होती है। आप चाहें तो स्टैंप जो है स्कूल की स्टैंप है, प्रिंसिपल सर की स्टैंप है, तो आप वो भी आप यहाँ पर स्कैन करके और साइन भी स्कैन करके आप लगा सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। नेक्स्ट थिंग एंड ऑल्सो द मेन थिंग, मुझे यहाँ पर आना है एक्सेल में, वो काम मेरा ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट हो गया है, उसके बाद तो मुझे यहाँ पर फील्ड लगाने हैं, फील्ड में अभी थोड़ी देर बाद लगाऊंगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर आना है डाटा में, डाटा में नहीं एड्स ऑन में, एड्स ऑन में आना है, यहाँ लिखना है गेट्स एड ऑन पे क्लिक करना है, यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद हमें यहाँ सामने ही मिल जाएगा, हो सकता है आपको सामने ना मिले, मैं इसको यूज कर चुका हूँ इसलिए मुझे सामने दिखाई दे रहा है ऑटो करेक्ट। अगर आपको यहाँ पर ना दिखाई दे तो आप यहाँ पर ऊपर सर्च एप्स लिखा हुआ है वहां पर आप ऑटोक्रेट लिख दीजिए, ऑटोक्रेट ऑटोक्रेट। नाउ इट विल बी ऑन फर्स्ट पोजीशन हियर, ऑटोक्रेट क्लिक ऑन इट। नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल, गूगल ड्राइव में ही यह इंस्टॉल हो जाएगा, क्लिक हियर। यहां से कुछ परमिशंस वो हमसे पूछेगा, आपकी आईडी में इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, तो हमने कहा संकुल के केयर में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। नाउ जिस तरह से हम मेल आईडी बनाते हुए वो कुछ परमिशन हमसे पूछता है, तो वो परमिशन सारी यहाँ पर पूछता है, आप चाहें तो इनको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अलो, आप अलो कर दीजिए वहाँ पर। ऑटोक्रेट हैज बीन इंस्टॉल्ड, ऑटोक्रेट हमारा इंस्टॉल हो चुका है, नाउ डन, क्लोज दिस विंडो। Now I come back on my slide. इस slide को एक नाम दे देते हैं यहाँ पर। Template, report card template, ये नाम हमने दे दिया। अब इसके सामने मुझे वही सारे IDs रखने हैं जो जो यहाँ पर मेरे पास field है, roll number है, name है, और class मैंने यहाँ पर नहीं लिया, class नहीं लिया तो मैं class ले लेता हूँ यहाँ पर। Insert. Insert one column left and here class, आप जो भी फील्ड लेना चाहते हैं वहां पर वो आपकी एक्सेल में होने चाहिए, जिनको आप ऑटोमेटिकली वहां पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं। हमने यहाँ पर लिखा थर्ड क्लास, थर्ड में भी थोड़ा अच्छा लगेगा तो मैं इसको थर्ड कर देता हूँ। Yes, now come back on roll number, name, spelling हमने properly check कर लेनी है, roll number, name and class, upper में है lower में है वो भी सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा। First of all I insert a text box here, drag it here, less than sign two times, then N capital A M E name. Now set it.
आपको जहाँ लगता है, मुझे थोड़ा सा नीचे लग रहा है थोड़ा, राइट। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक्स, देन साइन टू टाइम, देन रोल नंबर। अगेन इंसर्ट टेक्स्ट बुक्स क्लास, साइन टू टाइम क्लास, ग्रेटर देन साइन टू टाइम, क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू को इंसर्ट होना है। इन वैल्यूज ये मैप होंगी हमारी एक्सेल शीट के साथ, इसलिए इनके साथ ये हमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन जो है वो यूज करना पड़ेगा। इन द सेम वे फॉर हिंदी, इंसर्ट टेक्स्ट बुक्स, लेस देन साइन टू टाइम्स, then insert English less than time less than sign two time English, again insert less than insert textbooks, less than sign math, again insert textbooks, less than sign two time, and here is science. Insert textbooks and यहाँ पर आपका कोई भी स्पेस का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए जब आप इसको टाइप कर रहे हो, तो एक्सेल के अंदर जो कॉलम के नेम आपने लिखे हैं दैट शुड बी द सेम इन द एक्सेल शीट टोटल। नाउ अगेन आई वांट टू सी टोटल कैपिटल में कंप्यूटर साइंस संस्कृत, संस्कृत रह गया है हमारे पास, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं छोड़ देते हैं अभी। कंप्यूटर साइंस अगेन हो गया हमारे पास टोटल परसेंटेज, total and percentage, set percentage. Less than sign, it is done. Now I come back on my Excel sheet. Now click on add-ons. You can close if you want to close the slide. Now come back on Excel sheet, click on add-ons, autocrat, click on open.
it have 9 to 10 steps. Now I give a new name or new job. Give a name to new job. Suppose हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड, इस जॉब का नाम मैंने दिया है. क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ चूज टेम्पलेट. यहाँ पर हमने उस टेम्पलेट को चूज करना जो हमने अभी बनाई है. फ्रॉम ड्राइव, ड्राइव से हमने उसको लेना है. क्लिक. उसका नाम हमने पहले चेक कर लेना है कि उस रिपोर्ट कार्ड टेम्पलेट. तो यहाँ हमने देखना है रिपोर्ट कार्ड टेम्पलेट, ये हमारे पास. क्लिक करना है, सिलेक्ट, वेट करना है. रिपोर्ट कार्ड टेम्पलेट यहाँ पर आ गया है. नेक्स्ट. नेक्स्ट है मैप सोर्स डाटा टू टेम्पलेट. सोर्स डाटा को हमने इस टेम्पलेट के साथ मैच करना है. सबसे पहले हम मर्ज टैब यहाँ पे क्लिक करेंगे. शीट वन को हमने यहाँ पे मर्ज कर देना है. नाउ वेट. अब हमने यह बिल्कुल अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि नेम के साथ नेम वहाँ पे हुआ, रोल नंबर के साथ रोल नंबर हुआ, क्लास के साथ क्लास वहाँ पे हुआ. अगर हमारा स्पेलिंग में कोई भी डिफरेंस होगा तो यहाँ पर वो मैपिंग नहीं हो पाएगी. हिंदी के साथ हिंदी यहाँ पर हुआ, इंग्लिश के साथ इंग्लिश, मैथ के साथ मैथ, राइट, साइंस के साथ साइंस है, एसएस के साथ एसएस है, गुड, एंड कंप्यूटर साइंस के साथ कंप्यूटर साइंस है, टोटल के साथ टोटल है, और परसेंटेज के साथ परसेंटेज है. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. शिवराम जी, जैसे इसमें संस्कृत नहीं था तो वो मैच हो पाएगा? नहीं सर, वो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने छोड़ दिया सर. वो उसके पीछे रीजन ये था कि मेरे पास टेम्पलेट में इतनी जगह नहीं थी, और अगर मैं वहाँ पर सर थोड़ा स्पेस वहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करूँगा तो काफी समय लग जाएगा सर. वो समय बचाने के लिए मैंने फिर उसको स्किप ही कर दिया. ठीक है, थैंक यू सर. नेक्स्ट है हमारे पास फाइल सेटिंग. फाइल सेटिंग में यहाँ से हमें पूछ रहा सबसे पहले फाइल नेम की. जो रिपोर्ट कार्ड बनेंगे इंडिविजुअल, आप चाहें तो सिंगल आउटपुट मोड में बना सकते हैं. सबका एक ही वो पीडीएफ है, वो बन जाएगा पीडीएफ. सिंगल मोड में बना सकते हैं. अगर आप बनाना चाहते हैं मल्टीपल, हम मल्टीपल ही बनाते हैं. तो मल्टीपल में मैं प्रत्येक रिपोर्ट कार्ड को ऑटोमेटिकली को नाम दिया जाए, तो हमने यहाँ पर कहा कि उनको नाम रोल नंबर ही मिले. जिस रोल नंबर पे यहाँ पर आके मैंने उसको कंट्रोल वी करना है अपने कीबोर्ड पर, कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट. पेस्ट कर दिया यहाँ पर. नाउ यहाँ पर है टाइप. आप टाइप क्या चाहते हैं? गूगल स्लाइड की फॉर्म में चाहते हैं? गूगल स्लाइड की फॉर्म में तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम पीडीएफ कर लेते हैं. यहाँ पर पीडीएफ हमें चाहिए. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपके जो रिपोर्ट कार्ड है किस फोल्डर में जाकर सेव होने चाहिए. चूज डेस्टिनेशन फोल्डर. हम कहते हैं कि इसको इसी फोल्डर में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी फोल्डर से उठा लें क्योंकि हमारे पास काफ़ी थोड़े रिपोर्ट कार्ड हैं, तो यहाँ से हम उसको डायग्नोज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट. एड डायनेमिक फोल्डर रेफरेंस. आप चाहते हैं कोई डायनेमिक फोल्डर आपका बने कि आप बार बार मार्क्स डाल रहे हो और उसी टाइम पे कोई रिपोर्ट कार्ड बने, लेकिन ये ऑप्शनल है तो हम इसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे. नेक्स्ट. इट इज ऑल्सो ऑप्शनल. सेट मर्ज कंडीशन, आप किसी के साथ उसको जोड़ना चाहते हैं. नेक्स्ट. शेयर डॉक. आप चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को कोई आगे भी किसी को शेयर कर पाए, तो हमने कहा कि नो, ये हमने शेयर नहीं करना है. नेक्स्ट. क्योंकि रिपोर्ट कार्ड हमारी पहले स्कूल की प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद स्टूडेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो इसको शेयर करने का कोई मतलब बनता नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास ऐड रिमूव जॉब ट्रिगर. ऐड रिमूव जॉब ट्रिगर हमारा वो ऑप्शन होता है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, नो नो ही रखना है. ये होता है डायनामिक. डायनामिक मान लो आपने फॉर्म पे कोई एंट्री की और उसी टाइम हमारा कोई सर्टिफिकेट तैयार हो जाए, उसके लिए होता है. तो यहाँ पे उसके बाद सेव. क्लिक ऑन सेव. नाउ आई हैव टू वेट. यस, हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड. उसके सामने प्ले का बटन है, एडिट का बटन है, प्रीव्यू का बटन है और डिलीट का बटन है. तो इनमें से हमें करना है प्ले. इसको हमने प्ले करना है, रन करना है जॉब को. तो पहले हम एक बार अपनी गूगल ड्राइव में जाके देख लेते हैं. रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर है और गूगल ड्राइव में फॉर्म एंड डाटा में हमारे पास ये डाटा पड़ा है. इस समय इसमें हमारे पास तीन स्प्रेडशीट हैं, एक टेम्पलेट है और एक फॉर्म है.
तो चलिए हम दोबारा एक्सेल शीट पर आते हैं और अब इसको प्ले कर देते हैं, रन द जॉब। नाउ वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम बिकॉज इट टेक सम टाइम। आप यहाँ पर देख रहे होंगे साइड में मर्ज हो गया है, यहाँ पर देखिए इस कॉलम में मर्ज हो गया है। देन जब दूसरा रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा तो फिर सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि हमारा रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारी जॉब जो है वो प्रॉपरली रन हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पर थोड़ा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा, ये कंप्यूटर की स्पीड पर भी डिपेंड करता है, इसके साथ साथ जो आपकी इंटरनेट की स्पीड है उस पर भी डिपेंड करता है। लगभग 5 रिपोर्ट कार्ड हमारे जनरेट हो चुके हैं। एट ऑफ 11 डॉक्यूमेंट मर्ज्ड, 9 10 Now I close this window, come back in Google Drive and see the folder. Here are the report cards. You can see one by one, double click on any report card. Then you can see name is A, roll number 301 and this is report card and ये मैंने जो मार्क्स है उनको सही से अलाइनमेंट नहीं किया था क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता है हमें उसको अलाइनमेंट करना वो सारा, तो यहाँ पर ये हमारा इस तरह से आ गया। और अगर हम चाहें वहाँ पर ये परसेंटेज को भी हम 2 डिजिट तक ले आएंगे, वो भी हमने वहाँ पर उस टाइम ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर हमारा ये पहला रिपोर्ट कार्ड है। नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू सी द नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, दिस इज बी, हियर इज द नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड, थर्ड एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये रिपोर्ट कार्ड हमारे यहाँ पर आ जाएंगे और ये रिपोर्ट कार्ड हमें जब सबके सब हमें अपने कंप्यूटर में चाहिए, अभी तो गूगल ड्राइव में है, आप गूगल ड्राइव में ये रिकॉर्ड रहेगा ही रहेगा। उसके बाद मान लीजिए हमने इनका प्रिंट निकालना, आप प्रिंट का इसको ऐसे भी प्रिंट निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर आइए और सीधा प्रिंट कमांड यहाँ से दे दीजिए, वन बाई वन अगर हमने प्रिंट करना है। अगर कोई पर्टिकुलर जो रिपोर्ट कार्ड है उसको डाउनलोड करना है तो उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई कम बैक ऑन द मेन फोल्डर, नाउ क्लिक ऑन माई ड्राइव, नाउ फॉर्म्स एंड डाटा। इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड ऑल द रिपोर्ट कार्ड एंड अदर डाटा हेयर, राइट क्लिक ऑन दिस फोल्डर एंड डाउनलोड। जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम। Yes, get downloaded. Now click on this arrow, show in folder. Now unzip this file, right click here, extract this file 20201. तो ये हमने नाम देख लिया, form and data और यहाँ पर form and data। तो ये सारे report card मेरे computer में इस time download हो चुके हैं और यहाँ मैं इनको open करके देख सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये रिपोर्ट कार्ड मेरे सामने आ जाएंगे और मैं इनका वन बाय वन जो प्रिंट है वो ले सकता हूँ। इसके बाद यदि हम चाहें कि जैसे हमारा एक मोटिव रहता है कि जैसे हमारी कोई भी एक्टिविटी होती है तो एक्टिविटी में हम बच्चों को कोई सर्टिफिकेट अगर देना चाहें उसके लिए भी हम इसी प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं।
कि वो क्लास इंचार्ज हैं या कोई एक्टिविटी इंचार्ज हैं, वो अपना अपना डाटा यहाँ पे एक फॉर्म के द्वारा इनपुट करते जाएं, और वहाँ पर जो भी ऑपरेटर है या फिर कोई भी जो भी हमारा कंप्यूटर को देखते हैं वो उनके रिपोर्ट कार्ड को इस तरह से जनरेट कर सर्टिफिकेट को इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड एज वेल एज सर्टिफिकेट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज दैट मे बी पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज एंड सो ऑन, आप उनके लिए भी इस तरह के सर्टिफिकेट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपकी किसी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं मुझे। सर एक सेकेंड, ऑटो क्रेड वाला जो ऑप्शन था सर उसको इंस्टॉल करने वाला प्लीज रिपीट कर दीजिए। जी मैम श्योर, सिर्फ इंस्टॉल करना सर। जी 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 मैम जी, थैंक यू सर। ऑटोक्रेट इंस्टॉल करने के लिए मैम हम आएंगे अपने गूगल ड्राइव में ही आएंगे। गूगल ड्राइव में हम अपनी एक्सेल शीट खोल लेते हैं। ये आईडी दूसरा है, मुझे उसी आईडी में जाना है। इस आईडी में आने के बाद फॉर्म एंड डाटा में आए और वहाँ पर जो वहाँ पर हमारी गूगल शीट थी, गूगल शीट को हमने दोबारा से ओपन करना है। कोई भी गूगल शीट ओपन कर लीजिए क्योंकि वो सभी गूगल शीट में इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पर आप जाइए, हो गया। उसके बाद हम जाएंगे एडऑन्स पर। एडऑन्स पर यहाँ वेट करना है हमने, जब तक यहाँ पर ये रोटेट हो रहा है तब तक वो सारी फीचर जो है वो यहाँ पर मर्ज नहीं होती है, तो हमें वेट करना है जब तक ये रोटेट हो रहा है। ये रोटेट हो गया, अब ऑटोक्रेट हमारे सामने आ गया है। अब ऑटोक्रेट को हमने अगर यहाँ पे इंस्टॉल करना है, आपने इंस्टॉल करने के बारे में मुझे पूछा है, सबसे पहले मुझे मैनेज एडऑन पे जाना पड़ेगा। मैनेज एडऑन पे जाने के बाद यहाँ देखिए ये ऑटोक्रेट मेरा इंस्टॉल्ड है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। आई हैव टू क्लिक ऑन थ्री पॉइंट्स थ्री डॉट्स, क्लिक हियर अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल ऐप। नाउ इट इज गेटिंग अनइंस्टॉलिंग, यस नाउ इट अनइंस्टॉल्ड। नाउ कम बैक ऑन माय स्प्रेडशीट, नाउ क्लिक ऑन एडऑन्स। Now again I refresh this one. Yes, it is rotating. अभी रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि हमने एक एडवांस यहाँ से रिमूव किया है, काफ़ी हैवी होता है एडवांस तो उसमें थोड़ा समय लगता है। हो गया, नाउ क्लिक ऑन एडवांस, गेट एडवांस। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। नाउ ऑल द एडवांस विल बी डिस्प्लेड हेयर, क्लिक ऑन सर्च ऐप और यू कैन ऑल्सो क्लिक डायरेक्टली हेयर, बट If you want to search any add-on, click the type the name of that particular add-on and press enter. Now AutoCrat is here on first position. Click on it and install it. ठीक है, thank you sir. कंटिन्यू के बाद ये कुछ परमिशंस हमसे पूछेगा, हमने उनको अलाउ कर देना है जिस भी मेल आईडी में हमने इंस्टॉल करना। अगर ज़्यादा मेल आईडी हमारे यहाँ पर लॉगिन है तो हमने उस मेल आईडी पर क्लिक करना है जिस पर हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। ओके, नाउ इट इज इंस्टॉल्ड, डन। थैंक यू सर। थैंक यू। नाउ माई वर्क इज कम्प्लीटेड। अगर आपको कहीं लगता है कि कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। शिवराम जी, जी कुछ जी ऐसा हो सकता है कि हम पेरेंट्स के पास एक लिंक शेयर करें और पेरेंट्स उसमें बच्चे का रोल नंबर डालें और ये पीडीएफ उनके पास डाउनलोड हो जाए? ऐसे तो आप हमारे को इंडिविजुअल भेजनी पड़ेगी हर एक के पास। नहीं सर, इसमें एक और ऑप्शन था वहां पर जब हमने क्रिएट किया, उसमें हम 100-100 का बैच बनाकर, पहले आप पेरेंट्स का ईमेल आईडी ले लीजिए सर, सभी पेरेंट्स का आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। वो तो शुरू में जब भी रजिस्ट्रेशन होता है बच्चे का हमारे पास तो हम उसका ईमेल आईडी ले ही लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जब हमने यहाँ पर ऑटोक्रेट चलाया था, ऑटोक्रेट में एक ऑप्शन आया था
कि उसमें आपसे ईमेल आईडी भी पूछता है, यहाँ पर मुझे ईमेल आईडी रखना पड़ेगा हर बच्चे के सामने। और ऑटोक्रेट में अगर हम वहाँ पे सेट कर देंगे कि ऑटोमेटिकली वो उसको मेल कर दे तो वो पर्टिकुलर मेल पर भी चला जाएगा। बट यहाँ पर कंडीशन एक है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि ओनली 100 मेल्स कैन बी सेंड इन अ वन डे, एक दिन में सिर्फ 100 मेल्स जो गूगल है वो भेज सकता है। लेकिन इसी काम को अगर आप चाहें तो आप ऐसा कीजिए, सिर्फ एक आईडी पर सिर्फ 100 जो है रिपोर्ट कार्ड आप जनरेट कीजिए और नेक्स्ट 100 को दूसरे आईडी पर जनरेट कीजिए, बहुत काम कर देंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो मेल है वो चली जाएंगी सर उनको। चलो ये तो ठीक है जी, ईमेल का काम हो गया ये तो जी सर। कुछ ऐसा कि हमने लिंक शेयर किया सिर्फ पेरेंट्स को जी, कि हमें ईमेल भी एंटर ना करनी पड़े, लिंक हम शेयर करें, पेरेंट्स अपने बच्चे का यूनिक रोल नंबर एंटर करें उसमें जी जी, और सर्च करते ही वो पर्टिकुलर फाइल वहां पे डाउनलोड हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है पॉसिबल? उसके लिए सर थोड़ा सा प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें वो इमेजेस को सर्च करेंगे वहां पे। ठीक है, इमेजेस को सर्च करेगा सर प्रोग्राम, नेक्स्ट मीटिंग में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ हाँ सर बिल्कुल। अभी और कोई क्वेरी है सर? नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाउ सेवाराम जी। जी सर, नमस्ते सर। आपका आपका सत्र बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू सो मच सर। ये जो कुछ भी थ्योरी के रूप में सीखा है इसका प्रैक्टिकल जो है वो भी सामने आना चाहिए कि सब लोगों ने सीख लिया है। जी सर, जी सर बिल्कुल। इसको कैसे श्योर करेंगे? सर अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, बट अभी मैं आपसे एक फीडबैक फॉर्म मैं लूंगा, फीडबैक फॉर्म में अगर मुझे लगेगा कि हाँ कहीं से ऐसी फीडबैक आई है कि अभी प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, तो इन फ्यूचर हम उसका प्रैक्टिकल भी कभी ना कभी कोई ना कोई उसका कोई भी अरेंजमेंट हम करेंगे प्रैक्टिकल का भी सर। किना बिना प्रैक्टिकल के चलो थ्योरी तो ठीक है। जी सर, श्योर सर। प्रैक्टिकल इसके भी योजना करनी चाहिए। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर। प्लीज नाउ आई ओवर टू श्री विपिन चौहान सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार राम कुमार जी। नमस्ते जी, नमस्ते सर। इसमें सेवाराम जी ने काफी हैवी टॉपिक लिया है, मैं चाह रहा था थोड़ा टॉपिक को लाइट कर दिया जाए थोड़ा, क्योंकि अभी हमारे पास समय है थोड़ा सा, तो मैं आपके सामने कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन हमें कम पता होती हैं उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं अपने मोबाइल में आपके पास फ़ोन नंबर्स वगैरह होते हैं जैसे, या फिर कई बार इसकी ज़रूरत हमें स्कूल में भी पड़ती है बहुत ज़्यादा। अभी जैसे हमने ये आईटी संकुल की एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना था, तो हमें सभी लोगों के जितने फ़ोन नंबर्स वगैरह हमें रिसीव हुए थे, हम चाह रहे थे कि वो जो रिसीव हुए हैं उसके इमिडिएटली ग्रुप्स बन जाएं, तो उसमें दिक्कत क्या आने वाली थी कि हमें पहले वो सारे के सारे नंबर्स और नाम जो है वो हमें टाइप करने पड़ते हैं अपने मोबाइल में और फिर बाद में उनके ग्रुप्स बनते। तो हम उसका वैसे ही ना ग्रुप बना के उसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, मतलब हम जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल में कैसे ग्रुप्स बना सकते हैं, एक ये आसान सा टॉपिक मैं ले रहा हूँ अभी। इसमें देखिए मैं अभी अपने आईडी से लॉगिन करता हूँ इसमें, ये लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे नो डॉट्स आ रहे हैं इसी के अंदर ही हमारे पास एक नीचे ऑप्शन आती है कॉन्टैक्ट्स की। ठीक है जी, ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है, वैसे पता नहीं आपको पता भी हो शायद ना भी हो, लेकिन मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये यहाँ पे ये जो डॉट्स की ऑप्शन आती है तो इसके अंदर आपके पास एक फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की। कॉन्टैक्ट्स के अंदर यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो आईटी का ग्रुप है ये कल हमने बनाया और फिर आपको मैसेजेस किए। अब ये ग्रुप मैंने कैसे बनाया वो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ इसका। क्या होता है कि मोबाइल में जीमेल आप यूज़ करते हैं और जीमेल के साथ ही आपके मोबाइल नंबर्स भी कनेक्टेड रहते हैं, तो जितने भी आप मोबाइल नंबर सेव करते रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में आते रहते हैं, दे ऑल केम इन दिस कॉन्टैक्ट्स। ठीक है जी, आपका मोबाइल फॉर्मेट हो जाता है, दोबारा से आप मोबाइल में दोबारा से जीमेल आईडी डालते हैं, सिंक करते हैं तो दोबारा से मोबाइल नंबर्स आ जाते हैं आपके।
तो मैं बड़ा छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ इसमें। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके मोबाइल में मोबाइल नंबर्स पहले से हैं, लेकिन आपके पास एक लिस्ट है जिसको आपने जिसके मोबाइल नंबर्स आपको ऐड करने हैं। मान लो आपके पास कुछ लिस्ट है और उसके मोबाइल नंबर्स आपने इसमें ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे कोई बना के नहीं रखी हुई है सच। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक एक्सेल में फाइल बना लेता हूँ और उसमें रैंडमली कुछ नंबर्स डाल देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक फाइल बनाई और इसमें मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डालना चाहता हूँ और एक मैं इसमें नेम डाल लेता हूँ कि नेम। जैसे मैंने डाल दिया राम जी का, मैंने एक नाम डाल लिया इसमें, एक मैंने अपना नाम डाल लिया और यहाँ पे मैंने कुछ मोबाइल नंबर भी लिख लिए। मोबाइल नंबर बोलो 9461264। हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, इस पीसी के अंदर। डेस्कटॉप ही सेव कर रहा हूँ मैं इस फाइल को, इसको नाम दे दिया मैंने, ये मेरे मोबाइल नंबर्स की फाइल है, मैंने इसको कोई भी नाम दे दिया इसका, डाटा के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया अपने कंप्यूटर में। ठीक है जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये फाइल कहाँ पे बनी है। ये डेस्कटॉप पे डाटा नाम से फाइल बन चुकी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जी इमीडिएटली अगर मेरे को ये सारे के सारे नंबर्स मेरे को अपने मोबाइल में चाहिए और मोबाइल में मैं टाइप भी नहीं करना चाहता, तो ये मेरे नंबर्स मोबाइल में कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आप क्या करेंगे। यहाँ पे पहले सबसे पहले अपना ईमेल आईडी ओपन करके जो मोबाइल में आपका चल रहा है, यहाँ से जाके कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट्स को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगी आपको कॉन्टैक्ट्स की, ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर वाले आइकॉन्स में ही मिले, यहाँ पे नीचे भी मिल सकती है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स की। तो आप कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे, जब आप कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्टैक्ट्स लिखा होगा, फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्टेड लिखा होगा और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, हम इसमें कॉन्टैक्ट्स में जाके किसी भी एक मोबाइल नंबर पे क्लिक करके, जैसे मान लो मैंने एक कोई भी एक मोबाइल नंबर लिया और उसको टिक कर दिया। यहाँ टिक करने के बाद मैं नीचे आऊँगा, एक्सपोर्ट का बटन दबाऊँगा और एक्सपोर्ट, चाहे तो मैं सारे के सारे एक्सपोर्ट करके कंप्यूटर में रख सकता हूँ। ये सारे के सारे मेरे पास 1351 मोबाइल नंबर्स हैं जो अभी मेरे मोबाइल में हैं, तो मैं अगर इसको सबको एक्सपोर्ट करके गूगल शीट में रखना चाहूँ, गूगल CSV फाइल, CSV फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो अभी मैं फिलहाल उसको फर्स्ट खाली एक ही कॉन्टैक्ट को रखना चाहता हूँ, तो एक ही कॉन्टैक्ट को रखूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। यहाँ देखेंगे आप कि जैसे मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, नीचे हमारे पास एक contact.csv नाम से फाइल बन गई है। ठीक है जी, ये जो csv फाइल है इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बोलते हैं। मैं इसको शो इन फोल्डर करके इस फाइल को भी कट करके डेस्कटॉप पे ले आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाली फाइल वो वाली फाइल है जो कंप्यूटर ने हमें बना के दी है। अब मैं इसको अगर नोटपैड में आपको ओपन करके दिखाऊँ तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी, सारी चीज़ें होंगी कॉमा कॉमा डाल के लिखा होगा, उनको सारी चीज़ें कॉमा कॉमा डाल के लिखी गई होंगी। पहले में जैसे नाम है तो नाम नीचे लिखा हुआ आ रहा है, गिवन नेम लिखा हुआ आ रहा है, एडिशनल नेम, कुछ फैमिली नेम और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो भी हैं वो सारी लिखी हुई आ रही हैं। ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सेल में ओपन करके देखूंगा तो ये मेरे को सारी की सारी शीट ऐसे दिखाएगा, ये अलग अलग सेल में दिखाएगा आपको। ये देखिए, ये जितने कॉमा लगे हुए थे सब अलग सेल में चला गया डाटा। ये जब कॉमा सेपरेटेड फाइल को जब हम एक्सेल में ओपन करते हैं तो इस प्रकार से अलग अलग कॉलम्स में हमें उनका डाटा दिखाई देता है। अब हमारे पास डाटा तो आ चुका है, लेकिन ये डाटा वही है जो हमारी मोबाइल में था। ये मैंने इसलिए लिया ताकि हमारे पास कॉलम्स के नाम की कौन कौन से कॉलम्स होते हैं मोबाइल के अंदर, और उसके अंदर ये देखिए यहाँ पे उस पर्सन का मोबाइल नंबर जो मैंने सिलेक्ट किया था, ये उसका मोबाइल नंबर पूरा आ गया है यहाँ पे।
और यहाँ पे उसका नाम, गिवन नेम, ये सब चीज़ें, फैमिली नेम, ये सब चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। हमने क्या किया कल, हमने यहाँ पे गिवन नेम में और नेम में वो जो हमारे पास, मैं अभी आपको जो दिखा रहा था यहाँ पे आईटी के ये जो हमने लेबल क्रिएट किया हुआ है, इसमें हमने ये जो आईटी की संकुल की हमने जो ग्रुप बनाया है इसके अंदर जितने भी हमने मोबाइल नंबर्स जोड़ने थे, लेकिन फटाफट हमने जोड़ने थे, हमने फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप बनाने थे। ग्रुप बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक पहले लेबल क्रिएट कर लिया, यहाँ पे हमने एक लेबल क्रिएट कर लिया किसी भी नाम से, हमने लेबल क्रिएट कर लिया किसी भी नाम से, हमने आईटी वन के नाम से किया तो आईटी वन नाम से क्रिएट हो गया, लेकिन अभी इसमें कॉन्टैक्ट नहीं है। कॉन्टैक्ट कैसे आएंगे, वो हम करेंगे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट करने के लिए पहले हम इसमें वो जो नाम हम वहाँ से, ये देखिए जो मैंने डाटा में सेव कर रखे थे, ये नाम मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ लेके जाऊँगा, यहाँ से ये नाम कॉपी करके इस कॉन्टैक्ट्स वाली फाइल में लेके जाऊँगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट्स वाली फाइल ही कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, बाकी किसी को नहीं एक्सेप्ट करता। ये फैमिली नेम है, यहाँ पे अगर हम देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहें तो हटा भी सकते हैं। मेनली क्या है कि नाम और गिवन नेम होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर्स, ये जो दो लास्ट के दो कॉलम्स हैं इनको ऐसे ही नीचे ड्रैग कर लेंगे हम, ये जैसे हम ऊपर से नीचे ड्रैग कर लेंगे, और यहाँ पे हम अपने जो मोबाइल नंबर्स हैं जो हमने अभी डाटा फाइल में सेव किए थे, ये हम इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पे लाके हमने एक मिनट, ये हमने किया और यहाँ पे लाके एक्सेल की फाइल में, ये जो डाटा फाइल में से कॉन्टैक्ट वाली फाइल में हमने पेस्ट कर दिए, ये पेस्ट कर दिए। अब हमारे पास ये जो कॉन्टैक्ट वाली फाइल है ये तैयार हो चुकी है। जैसे ही आपके मोबाइल को मतलब चाहिए, हम ये कह सकते हैं जैसे ही हमारे मोबाइल को चाहिए वैसी ये फाइल हमने तैयार कर ली है। ये वाली जो फाइल है अब ये वैसे ही तैयार कर ली है। ये देखिए यहाँ पे ग्रुप मेंबरशिप में माई कॉन्टैक्ट्स आ रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जब भी ऐड होगा, ये अगर हम इसको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे देखेंगे, तो ये कॉन्टैक्ट्स में अगर हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, अगर हम सीधा यहाँ पे जाके इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल में जाके अगर हम इसको बताएंगे कि जी डेस्कटॉप पे ये वाली जो फाइल है इसको ऐड कर ले कॉन्टैक्ट्स वाली फाइल को, तो ये जो ऐड होने के बाद, इंपोर्ट होने के बाद ही सीधा आपको कॉन्टैक्ट्स में नज़र आएंगे, क्योंकि वो माय कॉन्टैक्ट्स में थे। अगर आप चाहते हो कि वो जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सीधा आईटी वन में नज़र आएँ, आईटी वन में नज़र आएँ, जो आपने कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट किए हैं वो सीधा आईटी वन में नज़र आएँ, तो उसके लिए आप इंपोर्ट में जाके यहाँ पे आईटी वन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी आईटी वन सिलेक्ट करने की, और यहाँ पे जब आप सिलेक्ट फाइल करेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे फाइल और यहाँ पे जाके लेबल में आईटी वन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी, और इंपोर्ट कर लेंगे, तो वो जो कॉन्टैक्ट्स हैं इंपोर्ट होने के बाद आईटी वन में आ जाएंगे। ये देखिए आईटी वन में आ चुके हैं वो कॉन्टैक्ट्स, ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से ये जो नाम है और ये जो नंबर हैं ये सारे के सारे आपके मोबाइल में आ जाएंगे। जब हम कभी ग्रुप बनाते हैं, जैसे अगर मैंने अभी जैसे आईटी का ग्रुप बनाया था, तो मैंने इसके नाम के आगे आईटी लगा दिया था। इससे मेरे को ये बेनिफिट मिला कि जब मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ इसका, तो वहाँ पे मेरे को सिलेक्शन करने में मेरे को ये नाम के लिए आगे पीछे नहीं जाना पड़ता सर्च करने के लिए, सबके आगे आईटी लगा हुआ है, तो सारे के सारे नाम मैं एक साथ सिलेक्ट कर पाता हूँ। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी, ये हमने बेसिकली इसलिए की, ये मैंने आपको बताया कि ये जो एक्टिविटी है ये इसलिए की कि कई बार हमें इमीडिएटली ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। हम लोग बहुत बार बनाते भी हैं, हम स्कूल में जैसे हमारे पास अभी हॉबी क्लासेस हैं, पिछले साल हॉबी क्लासेस के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, तो उसमें हमने जो हॉबी, जैसे मान लो कोई बच्चा डांस के लिए था, तो हमने उसके आगे नाम के आगे डीए लिख के, और हमने इस तरह से हमने उसके मोबाइल नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर सारे के सारे इंपोर्ट कर लिए थे, और फिर एक मोबाइल में आने के बाद हमने उनके ग्रुप बना लिए थे। तो ये जस्ट एक छोटी सी एक्टिविटी थी जो हम कर सकते हैं, और इससे हमें एडवांटेज ये मिलने वाला है कि हमारे जब हम इसको मोबाइल में सिंक करेंगे, तो ये जो ग्रुप बने होंगे ये एकदम से आपके मोबाइल में चले जाएंगे। मोबाइल में जाके आपके पास सेटिंग्स के अंदर अकाउंट्स होते हैं, और अकाउंट्स के अंदर आपके पास जो भी आपने गूगल अकाउंट आप यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर सिंक की फैसिलिटी होती है, सिंक करने की। सिंक करने का मतलब ये होता है कि जो आपके मोबाइल फ़ोन में एडिड है वो आपके यहाँ पे आ जाएं, कॉन्टैक्ट्स के अंदर आ जाएं, और जो कॉन्टैक्ट्स में हैं वो आपके मोबाइल में चले जाएं। तो ये इसके लिए होता है। यहाँ से अगर आप कोई इरेज कर देते हैं कॉन्टैक्ट्स, तो वो भी आपके मोबाइल में से हट सकते हैं।
ठीक है जी, आपको अगर कोई प्रिंट कराने की जरूरत पड़ती है आप प्रिंट भी करा सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट अगर आप इमीडिएटली आप चाहते हैं कि जी कंप्यूटर में आ जाए आपके सारे के सारे, तो आप एक्सपोर्ट करके यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन से मेरे को चाहिए, मेरे को सारे कॉन्टैक्ट्स चाहिए, तो सारे कॉन्टैक्ट्स की एक फाइल बन के कंप्यूटर में भी आ जाएगी। और बाद में अगर आप उसमें चेंजेस करके दोबारा से अगर आप कुछ रखना चाहते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे जाके यहाँ नीचे आके मैं देखता हूँ शो फोल्डर में जाके, तो ये कॉन्टैक्ट्स की फाइल आ गई है 144 KB की है ये। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको एक्सेल में, तो इसमें हमारे पास सारे के सारे मेरे कॉन्टैक्ट मेरे मोबाइल के आ गए हैं, और इसके सामने इनके मोबाइल नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है जी, जो भी मेरे ये एक्चुअली में एक बच्चों के हमने जब ये 8 के बच्चे थे कुछ उनके हमने जब डाले थे तो वो हमारे इसमें स्टोर हो गए थे। ठीक है जी, ये इस तरह से ये मोबाइल नंबर्स वगैरह भी सबके जहाँ जहाँ पे भी जो भी हैं ये स्टोर हो गए, और हमने ग्रुप्स बनाने में हमारे आसानी रही, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट के थे कोई कुछ थे, तो ये मेरे पास ये वाले हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये सारे के सारे आ सकते हैं। जस्ट ये मैं आपको, क्योंकि हमने काफ़ी एग्ज़ाम का काफ़ी कर लिया था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा हम उसको लाइट बनाने के लिए ये कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का भी काम एक बार सीख लेते हैं, क्योंकि इससे भी हमारी काफ़ी आसानी होने वाली है लाइफ में। कॉन्टैक्ट्स का इमीडिएटली ग्रुप बनाना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, कई बार आपको अगर 100 मोबाइल नंबर दे दिए जाएँ एक लिस्ट बना के एक्सेल में, और आपको कहा जाए कि एकदम से उसकी लिस्ट बना दो, तो आपको यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे सबसे पहले आप किसी भी एक नंबर को लें और उसको एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी एक फाइल तैयार हो जाएगी और उसमें एक रिकॉर्ड रहेगा। फिर आप क्या करें, उसमें बाकी रिकॉर्ड्स पेस्ट कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखिए ये कॉन्टैक्ट्स वाली फाइल है, इसमें मैंने क्या किया, जो जो मैंने मोबाइल नंबर्स कंप्यूटर में मतलब मोबाइल में मैंने फीड करने थे उनके नाम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, और साथ में मैंने उनके मोबाइल नंबर्स पेस्ट कर दिए। ये जो ये वाला जो कॉलम है इसमें जो डाटा लिखा हुआ है इसको एज इट इज ही नीचे तक लेके जाना है, हमें ड्रैग करके इसको नीचे तक लेके जाना है, क्योंकि ये पहले वाले में लिखा हुआ है तो इसलिए सभी में यही लिखा होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर्स हमने इंडिविजुअली जो भी लोगों के मोबाइल नंबर्स हैं वो पेस्ट कर लेने हैं, तो ये फाइल तैयार हो जाएगी कॉन्टैक्ट्स की जो अपलोड हो जाएगी। अगर आप अपनी तरफ से एक फाइल बना के एक्सेल की अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगी। ये जो CSV फाइल है इसी तरीके से जो हमें कॉन्टैक्ट्स में से मिलेगी वही डायरेक्ट हम जी। विपिन जी आवाज आ रही है आपको? सेवाराम जी मुझे लगता है वहां कुछ नेटवर्क इश्यूज शायद हो गए होंगे। कुमार जी कुछ हाँ जी कोई कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा रीसेट हो गया था। और इसी बीच मैंने ये भी चेक कर लिया है कि जो रिकॉर्डिंग चल रही है सेशन की,
आज जो हमने सीखा है, जितना भी सीखा है, वो सारा का सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में इसी टीम्स ऐप के अंदर आपको मिलेगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये देखिए, ये यहाँ पे जितनी भी मीटिंग की रिकॉर्डिंग हुई है, ये यहाँ पे है ना, डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ पे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके दोबारा से भी देख सकते हैं अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है। और अगर आपके मान लो कनेक्शन में कोई नेट की प्रॉब्लम रही है, तो वो भी आपको इसमें, ये वीडियो आपको दोबारा से मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, हमने कॉन्टेक्ट का जो टॉपिक लिया था एक छोटा सा, वो इतना ही था हमारा। इसमें हमने जो बताना था वो यही बताना था कि किस प्रकार हम अपने कॉन्टेक्ट को अपने मोबाइल में ऐड कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। जी धन्यवाद सेवाराम जी, विपिन जी, बड़ी अच्छी जानकारी आप दोनों ने उपलब्ध करवाई है। अब मेरा आग्रह है माननीय राम कुमार जी से कि आप अपना मार्गदर्शन आगे के लिए कोई दिशा निर्देश प्रदान करें। माननीय श्री राम कुमार जी। माननीय संकुल प्रमुख जी, अपने संकुल के सभी प्रधानाचार्य बंधु भगिनी, सभी कंप्यूटर आचार्य, परीक्षा प्रमुख बंधु भगिनी, कार्यशाला बहुत ही अच्छी रही है। जो कुछ भी आज सीखा है, इसका प्रायोगिक जितनी जल्दी कर लेंगे और प्रायोगिक करके अगर इस जो ग्रुप बनाया, आईटी ग्रुप बनाया हमारा कुरुक्षेत्र का, इस पर अगर शेयर करेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर जितनी देर होती जाएगी जो कुछ भी आज हुआ है सारा भूल जाएंगे, और फिर आगे चल करके कोई न कोई ऐसा सत्र भी रखना चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल के रूप में इन चीज़ों की पुनरावृत्ति हो जाए और नई चीज़ भी इसमें जोड़ी जाए। इतना ही अवसर पर पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय अनिल जी, भाई साहब से मेरा आग्रह है, आप भाई साहब का धन्यवाद ज्ञापन करके आभार व्यक्त करें। आदरणीय श्री अनिल जी, आज के इस आईटी के वर्कशॉप में हमारे संकुल के परीक्षाओं को देखने वाले, कंप्यूटर शिक्षा देने वाले ऐसे आचार्य वधु और संकुल के प्रधानाचार्य, अभी सबने अपना समय इस वर्कशॉप को दिया है। इसकी सफलता इसी से सिद्ध होती है कि सभी विद्यालयों के बंधु भगिनी इससे जुड़े हैं। उनसे सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से आभार जो आईटी का प्रशिक्षण देने वाले आचार्य हैं और निकेतन के प्रधानाचार्य जिन्होंने ये सारी व्यवस्था करवाई, उन सबका भी बहुत बहुत आभार। और श्री राम कुमार जी हमारे प्रांत के जो प्रशिक्षण प्रमुख हैं, हम सबके ध्यान में है कि उनका स्वास्थ्य जो है वो अभी ठीक नहीं है, उनकी आवाज़ भी हम सब देख रहे होंगे अभी स्वस्थ व्यक्ति जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा समय हम सबके साथ रहे, हमारा मनोबल बनाने के लिए हम सबके साथ में हैं। अभी उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनकी प्रेरणा से ही हम सब ऐसे संकुल के या प्रांत के कार्यक्रम संयोजित कर पाते हैं, इसलिए उनका हृदय से संकुल की ओर से आभार, एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भाई साहब। श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी शांति पाठ से इस प्रशिक्षण का समापन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। विपिन जी, इसके वीडियो का लिंक आप भी डाउनलोड करके उस आईटी वाले ग्रुप पर भी यदि भेजा जा सकता तो लिंक भेज दीजिए रिकॉर्डिंग का। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे इसका ज्यादा बड़ा हो जाएगा सर, ये यहीं से है ना, जो हमारे आईटी वाले जो टीम्स ऐप है इसी के अंदर आ चुका है, वो कोई भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है। ठीक, धन्यवाद।